सदर मोहतरम शुराए कराम और मौसिस खातिम हजरा, चंद अशार आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ। सबसे पहले चार हिस्से पढ़ना चाहती हूँ कि आज इकरार कर लिया हमने, आज खुद को बीमार कर लिया हमने, वाह, आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने, अब तो लगता है जान जाएगी, तुमसे जो प्यार कर लिया हमने, तुमसे जो प्यार कर लिया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत शुक्रिया। कई मरतबा हाजिरी हो चुकी है इस दरमियान में, तो चंद पुराने और चंद नई गज़लें आपके सामने पेश करूंगी। एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म हुआ है, मैं वो हाजिर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक मतला और पढ़ना ज़रूरी समझती हूँ कि कर तो नुआ एतराफ़ मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे। वाह। कर तो नुआ एतराफ़ मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे, मैं तुम्हें ख़त तो लिख दूँ मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। वाह। मैं तुम्हें ख़त तो लिख दूँ मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। बहुत शुक्रिया, आप मशायरे का माहौल बना रहे हैं, मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। और एक गज़ल के लिए हुक्म हुआ है, वो गज़ल हाजिर करना चाहती हूँ, मतला पेश करना। तुझे कैसे इल्म न हो सका, तुझे कैसे बड़ी दूर तक ये खबर गई, तुझे कैसे इल्म न हो सका, तुझे कैसे इल्म न हो सका, तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई, शहर की शायरा। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। और ये शेर भी पढ़ना चाहती हूँ, उसने मतलब कोई बात थी कोई था सबब जो मैं वादा करके मुकर गई, कोई पर तो यकीन था मैं खुद अपने आप से डर गई, तेरे प्यार पर तो यकीन था। और ये शेर भी पढ़ना चाहती हूँ, वो तेरे मिजाज की बात थी ये मेरे बता
कर दे। बता के मेरे बिना। और गजल का मक्ता, वो सफर को अपने तमाम कर गई रात आएंगे लौट कर। वो सफर को, वो सफर रिकॉर्डिंग हो रही है तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर दें, गला आवाज़ बहुत खिंच रही है, बड़ी मेहरबानी होगी। एक गज़ल के लिए मैं आपसे और दरख्वास्त करती हूँ कि कबूल कीजिए, हुक्म भी है मुझे इस गज़ल के लिए, तो मैं एक मतला और चंद अशआर इसकी हाजिर करना चाहती हूँ, उसके बाद इजाज़त। जी मतला मैं पेश करती हूँ। चलते चलते ये हालत हुई राह में, बिन पिए मैं कशी का मजा गया। चलते चलते, चलते चलते ये हालत हुई राह में, बिन पिए मैं कशी पास कोई नहीं था, मगर यूं लगा कोई दिल से मेरे आके टकरा गया। चलते चलते और ये शेर पढ़ती हूँ। आज पहले पहल तजुर्बा ये हुआ, ईद होती है सी खबर ही न थी। आज पहले पहल तजर्बा ये हुआ, ईद होती है सी खबर ही न थी। चांद को देखने घर से जब मैं चली, दूसरा चांद मेरे करीब आ गया। चांद को देखने घर से जब मैं चली, दूसरा चांद मेरे करीब आ गया। और ये शेर थी इस गजल का। ए हवाए चमन मुझ पे है साना कर, निकहते गुल की मुझ को जरूरत नहीं। बहुत अच्छा है। ए हवाए चमन मुझ पे है साना कर, निकहते गुल की मुझ को जरूरत नहीं। इश्क की राह में प्यार के इत्र से मेरे सारे बदन को वो महका गया। इश्क की राह में प्यार के इत्र से, ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं, लेकिन मैं गजल का आखिरी शेर पढ़ के इजाजत। नहीं ऐसा है, थके कहाँ हैं, अभी मुशायरा शुरू हुआ है, अभी कुछ समझने की सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आप शेर सुनाइए, देखिए अभी बेदारी आपको मिलेगी। बिल्कुल, मैं ये आखिरी शेर गजल का पेश करती हूँ। हिजर का मेरे दिल में अंधेरा किए वो जो परदेश में था बसेरा किए। वाह। हिजर का मेरे दिल में अंधेरा किए वो जो परदेश में था बसेरा किए। जिसके आने का कोई गुमान भी न था, दफ़तन मुझे को आके वो चौंका गया। जिसके आने का कोई गुमान भी न था। और ये मक्ता, रंग मुमताज चेहरे का है साखिला, जिंदगी में नया हद
सदर मोहतरम शोराए कराम और मौसिस खातिन हजरा, चंद अशार आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ। सबसे पहले चार इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि आज इकरार कर लिया हमने, आज खुद को बीमार कर लिया हमने, वाह, आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने, अब तो लगता है जान जाएगी, तुमसे जो प्यार कर लिया हमने, तुमसे जो प्यार कर लिया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत शुक्रिया। कई मर्तबा हाजिरी हो चुकी है इस दरमियान में, तो चंद पुराने और चंद नई गज़लें आपके सामने पेश करूँगी। एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म हुआ है, मैं वो हाजिर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक मतला और पढ़ना ज़रूरी समझती हूँ कि कर तो नू एतराफ़े मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे। कर तो नू एतराफ़े मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे, मैं तुम्हें ख़त तो लिख दूँ मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। मैं तुम्हें ख़त तो लिख दूँ मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। बहुत शुक्रिया, आप का माहौल बना रहे हैं, मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। और एक गज़ल के लिए हुक्म हुआ है, वो गज़ल हाजिर करना चाहती हूँ, मतला पेश करना। तुझे कैसे इल्म न हो सका, तुझे कैसे बड़ी दूर तक ये खबर गई, तुझे कैसे इल्म न हो सका, तुझे कैसे इल्म न हो सका, तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई, शहर की शायरा। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। और ये शेर भी पढ़ना चाहती हूँ, उसने मतलब कोई बात थी कोई था सबब जो मैं वादा करके मुकर गई, कोई बात थी कोई था सबब जो मैं वादा करके मुकर गई, तेरे प्यार पर तो यकीन था मैं खुद अपने आप से डर गई, बहुत अच्छा है, वाह वाह, पर तो यकीन था मैं खुद अपने आप से डर गई, तेरे प्यार पर तो यकीन था। और ये शेर भी पढ़ना चाहती हूँ, वो तेरे मिजाज की बात थी ये मेरे मिजाज की बात है, वो तेरे मिजाज की बात थी ये मेरे मिजाज की बात है, तू मेरी नजर से न गिर सका मैं तेरी नजर से उतर गई, मेरी नजर से न गिर सका। और ये गजल का आखिरी शेर है, खुदा गवाह तेरे बिना मेरी जिंदगी तो न कट सकी, है खुदा गवाह तेरे बिना मेरी जिंदगी तो न कट सकी, मुझे ये बता के मेरे बिना तेरी उम्र कैसी।
और गजल का मक्ता, वो सफर को अपने तमाम कर गई रात आएंगे लौट कर, वो सफर अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर दें, गला आवाज़ बहुत खिंच रही है, बड़ी मेहरबानी होगी। एक गज़ल के लिए मैं आपसे और दरख्वास्त करती हूँ कि कबूल कीजिए, हुक्म भी है मुझे इस गज़ल के लिए, तो मैं एक मतला और चंद अशआर इसकी हाजिर करना चाहती हूँ, उसके बाद इजाज़त।